58 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। यकीनन पहले चरण के मतदाताओं ने एक ट्रेंड सेट किया, जिसके बाद ये जो चुनाव है 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। 14 फरवरी को दूसरे दौर की, 20 फरवरी को तीसरे दौर की और उसके बाद 23 फरवरी को चौथे दौर के मतदान होंगे। सबसे आखिरी में वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में वोटिंग होंगी। लेकिन आज किस तरह से गहमा गहमी मची रही और किस तरह से बढ़ चढ़ कर मतदाताओं ने लिया है मतदान में हिस्सा, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्यारह जिले, 58 विधानसभा सीट, पहले दौर का मतदान। सुबह घड़ी में 7 बजते ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत की जोर आजमाइश शुरू हो गई, कहीं धीमी तो कहीं जोरदार, लेकिन चुनावी चहल पहल सभी 58 सीटों पर देखने को मिली। जमहूरियत के मेले में सबसे ज्यादा रौनक दिखी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में। दोनों जगहों पर 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए लोग कतार में दिखे। लोकतंत्र की इसी ऊर्जा को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह सोशल मीडिया के जरिए अपील जारी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वो कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। पहले दौर का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ मौसम की आंख मिचौली भी चल रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जगहों पर सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा, लेकिन चुनावी जोश ऐसा है कि बुजुर्ग मतदाता भी सुबह सुबह कंबल ओढ़कर बूथों पर तैनात हो गए। ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा अभी तक है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं का जो जोश है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा। ये देखिए बुजुर्ग यहाँ पर जो हैं वो हमारे साथ हैं। एक ये बुजुर्ग महिला हैं, आप बुजुर्ग महिला हैं, इन लोगों को दिखाएं, देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर जो सब वोट देने आए हैं। यूपी के नक्शे में उन 11 जिलों को देखिए जहाँ आज पहले दौर की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। ये जिले हैं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इन 58 सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पिछली बार बीजेपी का पूरी तरह दबदबा रहा। बीजेपी के खाते में 53 सीटें रहीं, समाजवादी पार्टी के खाते में 2, आरएलडी के खाते में 1, बीएसपी के खाते में 2 सीटें रहीं, जबकि कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यही इलाका किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। पिछली बार अलग अलग लड़े अखिलेश और जयंत चौधरी ने इस बार हाथ मिला लिया है और जाट वोटों के नाम पर बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जयंत चौधरी की जाट लैंड के प्रति निष्ठा पर ही सवाल उठा दिए। जयंत चौधरी साहब ने बोला है कि वो वोट नहीं डालेंगे, वो जा रहे हैं प्रचार के लिए, वो ज्यादा जरूरी है, तो आप वोट डालने निकल रहे हैं? मैं तो अपने गांव में जा रहा हूं, उनकी वोट कहां है पूछ तो लो, कभी हो ही ना वोट, हो सके दिल्ली में होगी, मुझे लगे कभी उनकी यूपी में वोट ही ना हो, दिल्ली में मिलेगी पक्का उनकी वोट। ऐसा तो नहीं कहा कि वो उनकी वोट नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप पता करो कहाँ है वोट, ये आप लोगों का भी काम है, जनता को बताओ उनकी वोट कहाँ है, राजनीति कहाँ की करते हैं, वोट कहाँ है। प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में करीब एक हफ्ते तक डेरा डालकर प्रचार की कमान संभाली थी।